नमस्कार दोस्तों, रॉक वर्जे पर आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जय का। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले सैमसंग के एक्सिनोस 9611 और स्नैपड्रैगन के 712 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में मैं इन दोनों प्रोसेसर के बीच में एक फुल कंपटीशन करने वाला हूं और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से आपको यहां पे कौन सा बेटर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहां पे वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि यहां पे जो एक्सिनोस 9611 है ये आपको मिलता है सैमसंग के गैलेक्सी M30s के अंदर, और जो स्नैपड्रैगन का 712 है ये आपको काफ़ी सारे फोन में देखने को मिल जाएगा, वीवो Z1 प्रो, Z1X, रियल 3 Pro, 5 Pro और Realme XT के अंदर। तो यहां पर फिलहाल करते हैं इस दोनों प्रोसेसर के बीच में कंपटीशन, और हमेशा की तरह हम जो है कैटेगरी वाइज ही बात करेंगे, CPU, GPU, AI, कनेक्टिविटी, डिस्प्ले, स्टोरेज, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, और एंड्रॉइड स्कोर्स पे भी ध्यान देंगे, और अंत में मैं आपको अपना फेयर ओपिनियन यहां पे देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे CPU की। तो यहां पे आपको जो Exynos 9611 है इसके अंदर आपको मिलता है एक ऑक्टा कोर सेटअप, जहां पे आपको 4 हाई पावर्ड कोर और 4 आपको लो पावर्ड कोर देखने को मिल जाता है। अब यहां पे जो 4 हाई पावर्ड कोर है वो काम करते हैं ARM A73 के ऊपर 2.3 GHz पे, और बाकी के जो 4 लो पावर कोर है वो यहाँ पे काम करते हैं ARM Cortex A53 के ऊपर 1.7 GHz पे। अब ये जो प्रोसेसर है Exynos 9611 इसको डिजाइन किया गया है 10 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे Snapdragon 712 की, तो इसके अंदर भी आपको मिलता है ऑक्टा कोर सेटअप, लेकिन थोड़ा सा अलग डिजाइन में है। क्रायो 360 वाले आपको कोर्स मिलते हैं, जहाँ पे 2 हाई पावर कोर और 6 आपको जो है लो पावर कोर देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे 4-4 में था, यहाँ पे 2-6 में मिलता है। यहाँ पे जो 2 हाई पावर कोर है वो काम करते ARM Cortex A75 के ऊपर 2.3 GHz पे, और बाकी के जो 6 लो पावर कोर है वो यहां पे काम करते हैं ARM Cortex A55 के ऊपर 1.7 GHz पे। अब ये जो प्रोसेसर है Snapdragon 712 इसको डिजाइन किया गया है 10 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर, मतलब सेम ही है। दोस्तों, बात करें अगर हम GPU की, तो यहां पे जो Exynos 9611 है इसके अंदर आपको मिलता है Mali G72 MP3 वाला GPU, जिसके अंदर आपको OpenGL वर्जन 3.2, OpenCL वर्जन 2.0, Vulkan वर्जन 1.0 और DirectX वर्जन 12 देखने को मिल जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे Snapdragon 712 की, तो इसके अंदर आपको मिलता है Adreno 616 वाला GPU, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा OpenGL वर्जन 3.2, OpenCL वर्जन 2.0, Vulkan वर्जन 1.0 और DirectX थोड़ा सा कम है, जो कि है DirectX 11। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे AI की, तो यहां पे जो Exynos 9611 है इसके अंदर आपको मिल जाएगा डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, जिसके चलते आप जो है फोटोग्राफी में, फेस अनलॉक में, बेसिकली कैमरा में काफी ज्यादा AI के टक्स वगैरह कर सकते हो। और अगर मैं आपसे बात करूं Snapdragon 712 की, तो इसके अंदर आपको मिलता है थर्ड जनरेशन वाले क्वालकॉम मल्टी कोर AI इंजन, जिसके चलते आप जो है कैमरा में, गेमिंग में, वॉइस में, सिक्योरिटी में, काफी जगह पर जो है मतलब AI का टक्स कर सकते हो। और यहाँ पे जो DSP है वो निकल गया था Hexagon 685 का। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके बाद कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे जो Exynos 9611 है इसके अंदर आपको मिलता है कैटेगरी 12 वाला मोडेम डाउनलोड के लिए, जिसके चलते आपका जो डाउनलोड स्पीड है वो यहाँ पे जाने वाला है 600 Mbps तक, और अपलोड के अंदर आपको मिलता है कैटेगरी 13 वाला मोडेम, जिसके चलते आपका जो अपलोड स्पीड है वो यहाँ पे जाने वाला है 150 Mbps तक। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे Snapdragon 712 की, तो इसके अंदर आपको मिलता है Qualcomm X15 वाला मॉडेम, जिसके चलते आपका जो डाउनलोड स्पीड है वो यहाँ पे जाने वाला है थोड़ा सा ज्यादा, जो कि 800 Mbps तक, और अपलोड स्पीड आपका जाने वाला है एकदम सेम, जो कि 150 Mbps तक। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके बाद वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन की, तो दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको जो है वाईफाई का वर्जन 5, जो कि 802.11ac, और ब्लूटूथ के अंदर भी आपको वर्जन 5 देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें ना थोड़ा सा मेन चीज़ की, जो कि कैमरा, तो यहाँ पे जो Exynos 9611 है इसके अंदर आपको मिल जाएगा डुअल में 48+16 MP तक का कैमरा का सपोर्ट, और सिंगल में आपको मिल जाएगा 32 MP तक का कैमरा का सपोर्ट। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूँ स्नैपड्रैगन 712 की, तो यहाँ पे आपको मिलता है स्पेक्ट्रा 250 वाले ISP, बोले तो इमेज सिग्नल प्रोसेसर, जिसके चलते आप जो है डुअल में आपको मिल जाएगा 16+16 MP तक का कैमरा का सपोर्ट, और सिंगल में आपको मिल जाएगा 48 MP तक का कैमरा का सपोर्ट। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, तो यहाँ पे जो Exynos 9611 है इसके अंदर आपको मिल जाएगा 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन 60 FPS में, लेकिन यार जो Snapdragon 712 है उसके अंदर भी आपको 4K मिलता है, लेकिन हाँ 60 FPS नहीं, 30 FPS में मिलता है। और अगर आप निकालना चाहते हो 60 FPS, तो आपको लेना पड़ेगा फुल HD शॉट। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे डिस्प्ले सपोर्ट की, तो यहाँ पे जो Exynos 9611 है इसके अंदर आपको मिल जाएगा WQXGA वाले, बड़ा अजीब सा नाम है डिस्प्ले का सपोर्ट, जहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे निकल गया था 2560x1600 का। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ Snapdragon 712 की, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है क्वाड HD प्लस वाले डिस्प्ले के सपोर्ट, HDR10 के साथ में, जहाँ पे रेजोल्यूशन है 3360x1440 का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चार्जिंग टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे जो Exynos 9611 है इसके अंदर आपको मिल जाएगा 15 वाट वाले चार्जिंग की सपोर्ट, लेकिन मैं अगर आपसे बात करूँ Snapdragon 712 की, तो इसके अंदर आपको मिलता है
क्विक चार्ज 4 प्लस का सपोर्ट जो कि है 27 वाट का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेमोरी एंड स्टोरेज की, तो यहाँ पर जो एक्सिनोस 9611 है इसके अंदर आपको मिल जाएगा मेमोरी मतलब रैम के अंदर LPDDR4X वाले रैम की सपोर्ट, लेकिन अप टू मुझे नहीं पता कितने GB तक है। और हाँ, साथ में आपको स्टोरेज के अंदर मिलता है UFS 2.1 वाले स्टोरेज की सपोर्ट। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूँ स्नैपड्रैगन 712 की, तो वहाँ पर भी आपको मिलता है LPDDR4X वाले रैम की सपोर्ट अप टू 8 GB तक, और स्टोरेज के अंदर आपको वहाँ पर भी UFS 2.1 का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सब कुछ स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, अपन जाते हैं एंटी स्कोर्स की तरफ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन से बेटर है एकदम फेयर तरीके से। तो यहाँ पे हम जाते हैं एंटी स्कोर्स की तरफ, तो यहाँ पे जो एक्सिनोस 9611 है इसके अंदर आपको मिल जाएगा 155,000 की एंटी स्कोर, जिसको लिया गया है सैमसंग के M30S के अंदर से ही। ऑब्वियसली बात है 4 GB रैम और 64 GB वेरियंट से। और अगर मैं आपसे बात करूँ स्नैपड्रैगन 712 की, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा 221,000 की स्कोर, मतलब काफ़ी ज़्यादा, जो कि लिया गया है Realme के XT से 4 GB रैम और 64 GB वेरिएंट से। तो यहाँ पे एकदम इक्वल दोनों आप इसको बोल सकते हो, लेकिन स्कोर में बहुत ही ज़्यादा स्नैपड्रैगन 712 हो जाता है, वेरिएंट बेसिकली इक्वल ही है। तो यहाँ पे जो एंड्रॉइड स्कोर की तरफ भी हमने देख लिया, हम जाते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सा यहाँ पे बेटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं CPU की, तो यहाँ पे जो CPU है इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 712 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक्सिनोस 9611 में कॉर्टेक्स A73 और कॉर्टेक्स A53 वाले कोर्स मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 712 में आपको कॉर्टेक्स A75 और A55 वाले कोर्स मिलते हैं। तो इस वजह से स्नैपड्रैगन 712 का CPU जो है वो बेटर है। हालांकि जो एफिशिएंट है मतलब पावर एफिशिएंट जिसको बोलते हो, वो तो दोनों का सेम ही है 10 नैनोमीटर। तो यहाँ पर CPU के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 712 बेटर देखने को मिलता है। अगर बात करें GPU की ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर जो एक्सिनोस 9611 है इसका GPU थोड़ा सा बेटर है, मतलब Mali का जो G72 वाला GPU है वो यहाँ पर बेटर है, क्योंकि आपको DirectX 12 का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, जबकि Adreno 616 में आपको DirectX 11 मिलता है, बाकी सब तो सेम ही है। लेकिन हाँ, DirectX 12 आपको जो है Mali G72 में मिल जाता है, और PUBG में आप HDR खेल सकते हो HDR 60 FPS में बिना किसी लैग के, बड़े मतलब भयंकर वाला आपको जो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो इस वजह से सैमसंग ना काफ़ी जो है ऑप्टिमाइज करते हैं अपने प्रोसेसर को। Exynos 9610 में भी आप खेल सकते थे और यहाँ पे Exynos 9611 में भी आप खेल सकते हो, तो काफ़ी जो है आपको अच्छा बेटर GPU देखने को मिल जाता है Exynos 9611 के अंदर। तो GPU में Exynos 9610 यहाँ पे बेटर है। तो सो बात करें अगर हम बाकी चीज़ों की ना, तो जो वीडियो सपोर्ट है, वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, उसको छोड़ के आप किसी भी चीज़ को देख लो, उसको और GPU को छोड़ के किसी भी चीज़ को देख लो, जो स्नैपड्रैगन का 712 है ये आपको वे बेटर देखने को मिल जाएगा। तो सो अगर आप सब कुछ देखोगे तो आपको जो है स्नैपड्रैगन 712 थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल नज़र आ जाएगा। तो यही था मेरे ख्याल से क्लियर विनर स्नैपड्रैगन 712 यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप GPU और कैम मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग को छोड़ते हो, तो यहाँ पे क्लियर विनर आ जाएगा स्नैपड्रैगन 712। तो फॉर गेमिंग गो फॉर Exynos 9611, और अगर आपको थोड़ा सा डे टू डे लाइफ यूज पावरफुल चाहिए, थोड़ा सा गेमिंग में कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, तो हाँ स्नैपड्रैगन 712 भी बेटर है। वैसे दोनों प्रोसेसर अपने में काफ़ी अच्छा है। आप मुझे बताओ कि आपको दोनों में से कौन से यहाँ पे बेटर लगा है। मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 712 यहाँ पे बेटर है, ऊपर पोल देता हूँ, ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के उस ऑल वाले बटन पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और हमेशा स्मार्ट रहिए।